अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान की टीम अगले साल वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएगी, ये कंफर्म है सर? देखिए बिल्कुल ऐसी है, वर्ल्ड कप खेलेंगे मगर इंडिया नहीं आएंगे, अगर इंडिया पाकिस्तान, ये कंफर्म है सर? जी कंफर्म है। तो ये बात वही है कि आप आएंगे तो हम जाएंगे, आप इंडिया पाकिस्तान में खेलेंगे तो हम इंडिया में खेल लेंगे, बायलैटरल भी करें ICC भी, ICC भी, सबका एक ही माहौल होना चाहिए। तो हमारे साथ ही तो BCCI ने एक वादा भी किया था 2014 कि वो न्यूट्रल वेन्यू के हमारे साथ खेलेंगे। श्रीनिवासन साहब उस वक्त BCCI के प्रेसिडेंट थे और चेयरमैन भी थे ICC के, तो उस वक्त हमने ये वादा किया अगले जब वक्त आया तो इंडिया ने कहा भी खेलेंगे आपके साथ, कोई रीजन भी नहीं दिया, हमें बुला के मुंबई मुलाकात भी नहीं की और हमें यहाँ से बैठा के वापस कर दिया। हम एयरपोर्ट से लेके होटल तक गए, वहाँ हमें काली गाड़ी आ रही है आपको पिक करने के लिए, आप BCCI के बोर्ड के साथ आपको सामने करेंगे, हमें ना गाड़ी लेनी आई, पुलिस आ गई, पुलिस ने हमें उठा के वापस एयरपोर्ट भेज दिया और कहा नहीं BCCI मिल सकती आपको। तो हमारे साथ तो ऐसे हाथ हुए हैं ना, अब हमारा मौका वही है कि जो आप हमारे साथ करेंगे फिर हमसे और कोई तवक्को मत कीजिए। सामनेक्रम नजम सेठी से आप चाहे जितना भी पाकिस्तान में रहकर इख्तलाफ करें ये आपका राइट है, लेकिन जब जब बात पाकिस्तान की आई है इस शख्स ने हमेशा पाकिस्तान के मौकिफ की बड़े अच्छे तरीके से भारत के अंदर तर्जुमानी की है और भारतीय एंकर्स को ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिए हैं कि उनकी बोलती लाइव शो में ही बंद हो गई है। वीडियो के शुरू में आपने छोटा सा क्लिप दिखाया, आगे चलकर आपको डिटेल में दिखाएंगे। नजम सेठी साहब आजकल भारत के मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं और उन्होंने इस बात का बरमला इजहार भी किया कि मैं नहीं चाहता था कि मीडिया पर बात की जाए लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। नजम सेठी साहब ने वाजह किया कि पाकिस्तान के बगैर अगर हिम्मत है तो तुम एशिया कप करके दिखाओ, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो कि एशिया कप का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है, उसने मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ इस मद में दिए हैं कि पाकिस्तान और भारत के दो दो मैच होंगे और उससे रेवेन्यू इकट्ठा होगा। नजम सेठी के मुताबिक अब किस तरह स्टार स्पोर्ट्स पाकिस्तान के बगैर इन मैचेस के पैसे देगा या फिर इस टूर्नामेंट की ब्रॉडकास्टिंग करेगा, आप कर सकते हैं तो हमारे बगैर करके दिखाइए। और ये जो हमें धमकियां दी जाती हैं कि आपने ICC का टूर्नामेंट छोड़ दिया यानी वर्ल्ड कप छोड़ दिया तो आपको $3 मिलियन नहीं मिलेंगे, तो हम PSL की वजह से अब अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं, हमें ये धमकियां ना दी जाए कि पाकिस्तान अपने नुकसान की वजह से फाइनेंशियली तौर पर बहुत पीछे रह जाएगा। नजम सेठी के मुताबिक उन तमाम ममालिक को देख रहे हैं जिनकी हमने मदद की थी मुश्किल वक्त में, अब वो किस तरफ खड़े हैं, वक्त आने पर उनसे भी एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। भारत की पूरी पोल उन्होंने भारत के मीडिया पर ही खोलते हुए ये भी कहा कि भारत का मुतालबा था कि हम पाकिस्तान जाकर मैच नहीं खेलेंगे, तो हमने वो मुतालबा मान लिया और ICC के टूर्नामेंट में भी हमारा यही मुतालबा होगा कि हमारे प्लेयर्स को शदीद सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, भारत के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान को साइड लाइन करने की कोशिश की गई तो फिर ना सिर्फ एशिया कप बल्कि ICC वर्ल्ड कप का भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की तरफ से बायकॉट होगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सारे मामले में किस तरह जबरदस्त जवाब देकर भारत के उस एंकर को जो बड़ा उछलता होता था उसकी बोलती नजम सेठी ने उसी के शो में बंद की है कि बेइज्जत होने पर उसकी तो हंसी भी नहीं रुक रही थी। अरे हमारे भाई इंडिया वहाँ हमें बता दे कहाँ खेलना चाहेंगे, हम खिला देंगे, वहाँ कहीं भी खेल लेंगे सर, जहाँ हिंदुस्तान कहेगा यहाँ खिला दे वहीं खिला दे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद हो या फिर दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। बात यह है कि पहले तो उन्होंने हमारे यहाँ आना है ना, यहाँ आ जाए अच्छा फिर जहाँ कहेंगे वहाँ खेल ले, ठीक है। अच्छा सर मैं आपसे ना मोटे मोटे पॉइंट रखता हूँ, आप सर उनका जवाब दीजिएगा। अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान की टीम अगले साल वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएगी, ये कंफर्म है सर? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, वर्ल्ड कप खेलेंगे मगर इंडिया नहीं आएंगे, अगर इंडिया पाकिस्तान, ये कंफर्म है सर? जी कंफर्म है। नहीं मसला इंडिया पाकिस्तान का है ना, इंडिया पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेता है मगर पाकिस्तान में आके नहीं खेलता, तो हम भी फिर इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, खा वो ACC का हो या ICC का हो, मगर अगर इंडिया में जाना पड़ेगा खा वो एशिया कप हो या ICC हो, फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बात वही है कि आप आएंगे तो हम जाएंगे, आप इंडिया पाकिस्तान में खेलेंगे तो हम इंडिया में खेल लेंगे, बायलैटरल भी करें ACC भी ICC भी, सबका एक ही माहौल होना चाहिए। मतलब सर ये क्लियर स्टैंड मान के चले आपका और पाकिस्तान सरकार का कि अगर इंडिया नहीं जाती पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए कोई भी मैच खेलने के लिए, तब तक पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी कोई मैच खेलने के लिए? दैट इज राइट। मतलब इसके ऊपर अब सर कोई आप लोग बात नहीं करेंगे या कोई विचार नहीं होगा सर, ये फाइनल डिसीजन है सर? देखिए इसीलिए तो हमने ये हाइब्रिड मॉडल कॉम्प्रोमाइज के तौर पर प्रपोज किया। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ BCCI ने एक वादा भी किया था 2014 कि वो न्यूट्रल वेन्यू के हमारे साथ खेलेंगे, श्रीनिवासन साहब उस वक्त BCCI के प्रेसिडेंट थे और चेयरमैन भी थे ICC के, तो उस वक्त हमने ये वादा किया अगले जब वक्त आया तो इंडिया ने कहा भी खेलेंगे आपके साथ, कोई रीजन भी नहीं दिया, हमें बुला के मुंबई मुलाकात भी नहीं की और हमें यहाँ से बैठा के वापस कर दिया, अब बहुत हो गया। कब मुलाकात हुई थी सर? ये कौन सी मुलाकात की बात कर रहे हैं सर आप? 2014 में जब बिग थ्री की बात हो रही थी तो हमने कहा था कि हम नहीं बिग थ्री के ऊपर साइन करेंगे,
हिंदुस्तान बीसीसीआई हमारे पास आया और उन्होंने कहा आप बिग थ्री साइन कर दें, हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज कर देते हैं, हम आपके साथ खेल लेते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे। हमने कहा लाइए, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो 2015 में 10 मैचेस खेलने थे यूएई के अंदर और आखिरी दिन पे हिंदुस्तान बीसीसीआई ने कहा हम नहीं खेल सकते। हमने कहा क्यों नहीं खेल सकते? नहीं खेल सकते हमें, उन्होंने कहा बंबई आ जाइए। हम मुंबई गए, हम एयरपोर्ट से लेके होटल तक गए, वहां हमें कहा गाड़ी आ रही है आपको पिक करने के लिए, आप बीसीसीआई के बोर्ड के साथ आपको सामने करेंगे। हमें ना गाड़ी लेने आई, पुलिस आ गई, पुलिस ने हमें उठा के उन्हें वापस एयरपोर्ट भेज दिया और कहा नहीं बीसीसीआई नहीं मिल सकती आपको। तो हमारे साथ तो ऐसे हाथ हुए हैं ना, तो अब वो कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय, अब हमारा मौका वही है कि जो आप हमारे साथ करेंगे फिर हमसे और कोई तवक्को मत कीजिएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मामले तय हो, आपकी कुछ मजबूरी है ओके, तो फिर हमारी भी मजबूरी बन जाती है। अब तो तैयार है खेलने के लिए, आए पाकिस्तान में खेलने। अच्छा भाई अगर पाकिस्तान में नहीं खेल सकते तो न्यूट्रल वेन्यू पे अपने मैचेस वहां खेल लें, हमारे मैचेस हम पाकिस्तान में खेल लेते हैं, उसके बाद सारे बोरी बिस्तरा और चुपके और चले जाएंगे हम जहां भी न्यूट्रल वेन्यू है और वहां इंडिया के साथ साथ आपस में खेल खूल के, और अगर फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का हुआ वो भी हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे, और अगर पाकिस्तान और किसी और का फाइनल हुआ वो भी हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे। अरे भाई सारी दुनिया पाकिस्तान का चक्कर लगा लिया, सिक्योरिटी इज नॉट एन इश्यू, तो आइए हमारी हॉस्पिटैलिटी भी देखिए, हमारी ग्राउंड भी देखिए, हमारी आवाम को देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं वो टॉप क्रिकेट टीम्स के साथ। इस आ जाएंगी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये चार आ जाएंगे, ये आके वहां 7 दिन के अंदर आपस में मैचेस खेल लेंगे, उसके बाद सब हम लोग बोरी विस्तर उठा के चले जाएंगे न्यूट्रल वेन्यू पे, वहां 7-8 मैचेस हम खेलेंगे इंक्लूडिंग द फाइनल, और अगर फाइनल इंडिया पाकिस्तान को हुआ वो भी वही खेल लेंगे। हम इंडिया को नहीं कहेंगे कि आप पाकिस्तान में आके खेले, एक ही दफा पहले इधर होगा फिर उसके बाद उसके सारे इधर चले जाएंगे, फिर यहाँ खेलेंगे। कोई लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अपनी प्रोडक्शन टीम जो है उसमें 70% लोग तो इंडियंस हैं जो कि दुबई से आते हैं। बोर्ड के सेक्रेटरी का बयान आया है कि हम चाहेंगे कि श्रीलंका के अंदर मैचेस हों, मगर इससे आगे इंडिया वाले मैचेस नहीं, उन्होंने ये नहीं किया ना, उन्होंने कहा जो एशिया कप जो है वो आप श्रीलंका में करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया वाले करें, उन्होंने कहा जितने मैचेस हैं श्रीलंका में करें। अब मसला क्या है, बांग्लादेश कहता है कि दुबई के अंदर बड़ी गर्मी होगी, उसको 40 डिग्री होगी, बट सर पहले भी हुआ है एशिया कप तो पहले भी दुबई में हुआ है 50 ओवर का 2018 वाला। बिल्कुल ये मेरा जवाब है, कह रहे भाई आपको आज गर्मी लग रही है, पहले गर्मी नहीं लगी आपको, आप तो आईपीएल भी करा बैठे हैं वहाँ। सर बांग्लादेश कौन सा लंदन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट सर ऐसा तो कोई किसी से बात नहीं हुई ना कि कोई कह रहा है एशिया कप नहीं खेलने के लिए, अभी तो जो आपने मॉडल दिया उसके ऊपर चर्चा हो रही है ना सर, उसी के ऊपर चर्चा हो रही है। अच्छा तो फिर सर मुझे एक चीज आप ये बताइए कि इस बीच ये जो एक मैं इसको धमकी कहूँ या क्या कहूँ कि आप कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए, तो आप लोग तो इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं और जो बात अच्छी चल रही है वो बीच में थोड़ी खट्टी पड़ सकती है, इस तरह के सर बयान से आपको क्या लगता है? ये बात जो है ये एक सोल्यूशन है, हमारी तरफ से बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज है। हम कह सकते थे कि सारे मैचेस पाकिस्तान में खेले, इंडिया का भी मैच पाकिस्तान में खेले, नहीं तो हम एशिया कप नहीं खेलते,